हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की दाल। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप तुअर दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहे तो येलो वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी डालिए, और जितना दाल है उससे 3-3.5 गुना ज़्यादा पानी डाल के प्रेशर कुक करना है, एक सीटी आने तक। यहाँ पर मैंने एक छोटा बंच पालक का लिया है, जिसे अच्छे से साफ करके मैंने पानी में भिगो दिया है वॉश करने के लिए। बहुत ज़्यादा पालक की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा बंच ही लिया है। एक छोटा टमाटर को बारीक कट किया है, थोड़ी सी अदरक को कस लिया है, और 2-3 लहसुन की कलियों को भी कस लिया है। अगर आप जैन रेसिपी बना रहे हैं तो लहसुन स्किप कर दीजिए। एक कढ़ाई में करीब 2 छोटी चम्मच तेल गर्म करने रखा है, और इसके गर्म होने पे इसमें थोड़ा सा हींग, 1.5 चम्मच जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और जो हमने अदरक कस लिया था उसको डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी काट के इसमें डाल सकते हैं। अब जो लहसुन कसा था उसको भी डाल के 1 मिनट फ्राई कर लीजिए, और फिर जो टमाटर कट किया है हमने वो इसमें डालना है, और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक, जब तक तेल सेपरेटेड ना दिखे तब तक हम इसे कुक करेंगे। अब पालक को मैंने वॉश करके बारीक कट कर लिया है, और दाल जो कुक हो गया था उसको हमें हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। टमाटर जब कुक हो जाए तो बॉयल्ड दाल को इसमें डाल देना है, और अच्छे से उबाल आने तक उसे हम गैस पे रखेंगे। अगर आप इसे सब्जी के जैसे बनाना चाहते हैं तो दाल कम लीजिए और उसमें पानी भी कम डालिए, और पालक थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। उस तरीके से बनाने से ये थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी और आप इसे सब्जी की तरह सर्व कर सकते हैं। अगर आप मूंग दाल यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी गाढ़ा होता है, दाल के लिए उसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। इस तरीके से अच्छे से उबाल आने तक इसे गैस पे रखिए, और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं, या तो प्लेन राइस, जीरा राइस, या चपाती या पराठों के साथ भी।